मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कब हमको अपने घर जाना है, कब मुझे अपने उस खेतों में जाना है, कब मुझे अपनी ज़मीन वापस मिलेगी जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ है। यहाँ से हम निकले, वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। जब मिलने जाते हैं एलजी साहब से तो 2 महीने लगते हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए, 2 महीने के बाद एलजी साहब मुलाकात देते हैं, और जब मुलाकात देते हैं तो हमको उनको बता देते हैं एक्स डीसी है, उसने हमारी ज़मीन ली है, उधर बहुत बड़ा वकील है, उसने हमारी ज़मीन ली है, तो ज़मीनें वापस नहीं देते, घर वापस नहीं देते, कब? अब तो बूढ़े हो गए हम तो सोचते हैं हम बस उधर हमारी लाश भी उधर ही जाए और हम अपनी जगह उधर हमारी लास्ट राइट्स हो, लेकिन फिर भी कब? कौन सी गवर्नमेंट? कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी पे, बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है उन पे, तो मोदी जी को पर तो हमें गर्व था, क्या हुआ? फिर वही 90 वाली कहानी शुरू हो गई। हम घरों में बैठे थे, मेरा छोटा बच्चा गोद में था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हम कैसे बच के पहुँचे हैं घर? दाल उबल रही थी, मैं सास को बोल रही हूँ चलो 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 चलो, मिलिटेंट आ गए मार लाएंगे, 90 की बात है। उसको वो बोलती है क्या बोल रही है, घर कैसे छोड़ू, कैसे छोड़ू? हर एक हिंदू की एक कहानी है, पिक्चर में तो इतना सा दिखाया है, हर एक कश्मीरी पंडित की एक कहानी है, सारा कुछ ऐसे रख के क्यों? कौन घर छोड़ना चाहता है आप बताओ, घर कौन छोड़ना चाहता है? किसी को घर छोड़ना अच्छा लगता है? आप किस तरह से देखते हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं वो अभी भी कहते हैं कि ऐसा सत्य नहीं है? क्या बोल रहे हैं आप? मैं एक जीती जागती नहीं, इधर किसी भी लेडी से पूछ लीजिए क्या हुआ था, वो जब चीरा था उस लेडी को, तब मैं घर में थी, जवाहरनगर में हम रहते थे, और हमें बोला गया वो लड़की, उस लड़की को आर्य से चीरा है, तो मुझे ऑफिस से बुलाते थे फ़ोन, मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे बार बार गाड़ी भेजी जाती थी, मैं डिलीवरी दी थी बच्चे को तो मैं नहीं जा सकती थी, मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, पता नहीं कौन अगवा करके लेगा, एक लेडी को तो ले गए हैं, मैं ऑफिस नहीं गई। फिर उधर डीजी साहब के पास रुकेश की, मैं कहा सर मुझे चाइल्ड केयर लीव भी नहीं मिल रही है, यहाँ से मारे जा रहे हैं, क्या करेंगे हम? इतने बड़े बड़े जुलूस निकले, मैं नहीं कहती हूँ सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन हैं, हमको निकाला, अपने ही पड़ोसियों ने बोला निकलो निकलो हम आपकी हेल्प करेंगे। ये जो पिक्चर है ये तो 100% करेक्ट है, लेकिन उससे भी बदतर हालात हमारे साथ हालात हो गए, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे थे, क्या सामान्य हो रहे हैं, फिर 90 में पहुंच गए, बीजेपी पे तो बहुत होल्ड था, क्या हुआ? उधर की उधर ही फिर से किलिंग शुरू हो गई। मोदी जी से क्या अपील करते हैं? मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई ध्यान दो, किस तरह से कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि कश्मीरी पंडित इज्जत से, ये नहीं कि उधर एक जगह बना के रखी उधर से, नहीं अपने अपने इलाके में जाए, ऐसे हालात करो कि मैं अपने मोहल्ले में बसने जाऊं, वहां वो मुझे रिसीव करें अपने पड़ोसी, ये नहीं कि एक जगह बनाओ उधर ही बमबारी करेंगे कठे कश्मीरी पंडित खत्म, वो नहीं करना, उससे और प्रॉब्लम हो जाती है, अपने अपने इलाके में बसाओ, जो जिधर का है उसको उधर जाना है, उसको अच्छा लगेगा मैं वापस आ गया, उधर एक जगह बस के हमको अच्छा नहीं लगेगा। अभी क्या हुआ, ऑफिस में जाके मार रहे हैं, ठीक है इन्होंने सिक्योरिटी दी, एक जगह बना ली बस, हाँ जी इधर बैठेंगे कश्मीरी पंडित, फिर जब वो दफ्तर जाएंगे क्या एक एक बंदे के साथ एक एक पुलिस वाला जाएगा? नहीं ना हो सकता, उनको तो कुर्सी पर बैठ के मार रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ उधर उनके लिए अकोमोडेशन क्रिएट करने का? कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे हालात करो, ऐसे मिलिटेंसी को ख़त्म करो, बॉर्डर पे उनको गन्स मत आने दो, कहाँ से आती है बंदूक, ज़मीन से थोड़ी निकलती है, बॉर्डर से ही आती है, बॉर्डर हमारे कमज़ोर हैं, फिर मिलिटेंट्स कहाँ से लाते हैं इतना सारा सामान, वो देखो, लोगों को प्रोटेक्शन दो, और ये बोलो कि जिसके घर से मिलिटेंट करेगा उसका घर हम बुलडोजर से उड़ा देंगे, देखो एक भी अपने घर में मिलिटेंट को रुकने नहीं देगा, कश्मीरी दिल के बहुत कमज़ोर हैं, वो मिलिटेंट्स को नहीं रुकने देगा, अगर उनको बोलेंगे कि हम आपका घर फूंक देंगे, उनको क्या करते हैं निकलो निकलो घरों से, फिर हमारा एक फौजी मर जाता है, एक कैप्टन मर जाता है, मेजर मर जाता है, क्या होता है उनको, दूसरा घर देता है उनको पना, जिस घर में भी मिलिटेंट मिले उस घर को उड़ा दो, ताकि उनको डर रहे कि हम इनको पना देंगे तो हमारा घर में आग लग जाएगी, जब कोई डर ही नहीं रखा है तो मिलिटेंटों को आए दिन सबको सब पना देते हैं, एक घर से निकलता है दूसरे घर में घुस जाता है,
वो घर वाला उसको बोलना चाहिए भैया हमारे बच्चे मारो लेकिन हम अपना घर नहीं जलाएंगे। कुछ ऐसा स्ट्रांग स्टेप ले लो, ऐसे थोड़े होगा। मैं भी इन महिला की जो दास्तां है और सत्य दास्तां है और रो रो कर इस तरह से बयां कर रहे हैं कि मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ को और हर एक समाज की आवाज़ को जो कश्मीर में रह रहे हैं उनकी आवाज़ को सुना जाए और अब दरकिनार ना किया जाए। वक्त ऐसा आ चुका है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिले और अपनी कश्मीर घाटी अपनी पावन धरती पर एक बार फिर से हरियाली और खुशहाली देखने को ज़रूर मिले। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।